आज हम देखेंगे भगवान शिव की जटा से निकलती हुई गंगा माँ का उद्गम स्थल। शिव दूति स्वरूपेण हदरैत्य मावने ओर रूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते। शिव दूति स्वरूपेण हदरैत्य दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वैरागी लेके चल रहा हूं आपको वैरागी की दुनिया में। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि मैं अपनी ही वीडियो आपकी तरह खुद देख रहा था। वीडियोस देखते देखते मैं अपनी गंगोत्री की दो वीडियोस देखने लगा, जिसमें मैं गौमुख तक जाकर भी वहां तक छू के नहीं आ पाया, जिसे देखकर मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया और मैंने कहा चलिए जय माता दी नाम लेके चलते हैं महादेव की जटा से निकलती हुई गंगा माँ के दर्शन करने के लिए। गंगोत्री की यात्रा उत्तराखंड की छोटा चार धाम की यात्रा में से एक है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली के आनंद विहार से उत्तराखंड के हरिद्वार तक की बस लेनी पड़ेगी। हरिद्वार पहुंचते ही 3 से 4 बजे से शुरू हो जाती है बस पहाड़ों पर चार धाम यात्रा पर जाने के लिए। ये जितनी भी बसें देख रहे हैं लगभग केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रही हैं, और इधर है हमारी उत्तरकाशी की बस। यदि कुछ सवारी रहती हैं तो फिर ये भी गंगोत्री जाएगी हमें लेके। सुबह सुबह 3 बजे बस में बैठकर इंतज़ार करने लगे 5 बजने का, जबकि बस का शुरू होने का समय था। बस के शुरू होते ही मेरी आँख लग गई, और आँख खुली तो देखा हमारे कंडक्टर और ड्राइवर भाई साहब टायर चेंज कर रहे थे। मेरे साथ साथ अन्य यात्री भी खड़े होकर इस कार्य को तसल्ली से देख रहे थे। इसके पश्चात हमारी बस चंबा और धरासू बैंड होते हुए पहुंची उत्तरकाशी, और यहाँ पे हमारी बस उत्तरकाशी जो कि उत्तर की काशी है वहाँ पे रुक चुकी है। और हमारे मित्र यहाँ पे मिले हैं योध्या शुभम, जो कि हमारे स्कूल के दोस्त हैं। चलिए जल्दी से फटाफट से बस पकड़ते हैं गंगोत्री की। काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद पता चला कि यहाँ से केवल टैक्सी मिलेगी और बस यहाँ से आगे के लिए नहीं मिल पाएगी, जिसका किराया लगभग 300 रुपये। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जो कि ये टैक्सी हमें लगभग 3 से 3.5 घंटे में लेके जाती है। हमारी टैक्सी वहां के हर्षिल वैली होते हुए इतने सुंदर पहाड़ों को कवर करते हुए पहुंच रही थी गंगोत्री धाम की ओर। उसके पश्चात हमें पहाड़ों का ट्रैफिक मिल गया। यदि आपको ये ट्रैफिक मिलता है तो आप यहां पर क्या करेंगे। लगभग यात्रा करते हुए 24 घंटे होने वाले थे, जिसकी वजह से शरीर में थकावट और थोड़ी नींद की कमी महसूस हो रही थी। और फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन की ओर गंगोत्री धाम में। आपको उत्तराखंड के चार धाम यात्रा करते हुए वहां की रजिस्ट्रेशन स्लिप रखनी होती है, जो कि यहां पे द्वार पे आपसे चेक की जाती है। ये हमारे मेन द्वार गंगोत्री का, यहां से लगभग आपके 500 मीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर। और पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी गाड़ियों की पार्किंग है। यदि आप प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो यहीं पे आप पार्क कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे गंगोत्री मंदिर के पास आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आके आपको बनवाना पड़ता है परमिट, जो कि फर्स्ट नीड है अगर आप आगे जाना चाहते हो तो, मंदिर से आगे यात्रा करना चाहते हो तो। तो हम जा रहे हैं, फटाफट फोटोकॉपी कराते हैं, जेरोक्स करवाते हैं, उसके बाद यहाँ से मंदिर के आगे से निकलेंगे। यहाँ से आपका है जहाँ पे हमें अभी परमिट बनवाने जाना है। ये कुछ यहाँ के आरती और शयन आरती का समय सारणी दिया गया है। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारा परमिट बनवाते हैं। लगभग 7:05 हो चुके हैं
यहाँ पे ऑफिस शायद से क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे इस मोमेंट पे क्या किया जाए, हमारा परमिट अभी तक बना नहीं है, तो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, यहाँ पे कुछ जुगाड़ करते हैं, देखते हैं। परमिट देने के लिए ऑफिस तो बंद हो गया था, लेकिन वही फॉरेस्ट ऑफिसर्स वहीं पे रहते थे जिनको हमने रिक्वेस्ट करके अपना परमिट बनवाया। ये हमारा परमिट फाइनली यहाँ पे हो चुका। चलिए इसी की खुशी में अब यहाँ पे डिनर किया जाए और एक धर्मशाला पे आपको स्टे लिया जाए, स्टे लेते हैं और फिर आराम करते हैं रात्रि में, क्योंकि कल से कुछ एडवेंचर शुरू होने वाला है। तो ऐसा कुछ हमें रूम मिला है लगभग 500 रुपए में, कैसा लग रहा है आपको? और फ्रेश होने के लिए भी अच्छा है, बट काम चला हुआ है हमारे लिए। अब यहाँ से रात्रि बिताएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, देन हम सुबह यहाँ से निकलेंगे। यह है गंगा दर्शन होटल, यहाँ से हम नीचे पे रह रहे हैं, गंगा गेस्ट हाउस। और यहाँ से अगर आप पीछे जाएंगे बैंक, HDFC बैंक के पीछे, तो आपको परमिट के लिए ऑफिस मिल जाएगा। और यहाँ पे उसी होटल में आए हैं हम, भोजन हमारे लिए परोसा गया है, ये खा रहे हैं भोजन, वही हम भी खाएंगे। एक थाली लगभग 100 से 150 रुपये, डेढ़ से ही सही, लेकिन हम मंदिर के द्वार पे पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में आपका स्वागत है। गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन कर हम गंगा घाट पर बैठकर प्रकृति का आनंद लेने लगे। जिसके पश्चात हम वापस होटल में जाते ही कब सो गए हमें पता ही नहीं चला और हमारी नींद खुली अगले दिन। नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30। अब हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो परमिट है वो लगभग 2 किलोमीटर पे यहाँ पे चेक पोस्ट है, जहाँ से हम, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसमें भी इसी तरह से मैंने यात्रा की है। लगभग 2 किलोमीटर पे आपका जो परमिट चेक होता है, 6 बजे से वो ओपन होता है, उसके बाद से हमारी यात्रा शुरू होगी। लगभग 18 किलोमीटर है गौमुख, उसके बाद 6 किलोमीटर है तपोवन, जहाँ पे अभी हमें जाना है। सिंगल डे हम 24 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, देखते हैं आज हम यात्रा कर पाएंगे या नहीं। इतनी ठंड में लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर था और बाहर निकल के इतना ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन हमने जैसे तैसे यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर बाद आपको कुछ भोजन या फिर कुछ भी मिलेगा, तो इससे पहले यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप कुछ हल्का सा लाइट सा इंटेक करके रखें, फ्यूल अप करके रखें, जैसे कि हम पीछे अपना नाश्ता बनवा रहे हैं, उसके बाद नाश्ता ग्रहण करके फिर ऊपर यात्रा करेंगे। 2 पराठे ग्रहण कर और पैक करवा कर अपने रास्ते के लिए निकल पड़े हम यात्रा पर। मंदिर की आरती की ऊर्जा मुझे दूर से ही महसूस हो रही थी और जैसे जैसे मैं समीप जा रहा था मंदिर के, वैसे वैसे वो और बढ़ती जा रही थी। जरा आप भी मंदिर के दर्शन करिए। Thank you.
मंदिर की आरती की ऊर्जा लेकर मैंने अपनी यात्रा शुरू की। लास्ट टाइम मैंने जब यात्रा करी थी तो मैं लगभग अंधेरे में शुरू करता था, लगभग 5 बजे, और जो चेक पोस्ट है वहाँ पहुँचते पहुँचते 6 बज जाते थे। अभी यहाँ पे टाइम समय हो रहा है लगभग 7:30। अब यहाँ से देखते हैं चेक पोस्ट पर हम कितने समय में पहुँचते हैं, उसके पश्चात हमें काफ़ी खींचना पड़ेगा आज की यात्रा को, क्योंकि हमें आज में तपोवन पहुँचना है, जो कि हमारे लिए तो थोड़ा कठिन है। पूरा मंदिर जहाँ से अभी अभी हम आरती देख के आ रहे हैं, गंगा माँ को प्रणाम करके शुरू करते हैं अपनी यात्रा। गंगोत्री से आधे घंटे पैदल यात्रा करने के बाद आपको कनखू देखने को मिलेगा, जो गंगोत्री से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको वहां पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में लगभग 200 रुपए देकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना है, जो कि हमने रात्रि में अपना आधार कार्ड जेरोक्स बनवा कर बनवाया था। चलिए अब यात्रा करते करते मैं आपको यहाँ की ऐतिहासिक साथ में पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताऊंगा। गौमुख उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के अंत में चिन्हित है। गौमुख एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां से जीवनदायिनी माँ गंगा देवी का उद्गम होता है। यह स्थान गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग पीक के नज़दीक और समुद्र तल से 13,200 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। गौमुख से माँ गंगा का जल स्रोत निकलता है। गंगोत्री धाम आने वाले अधिकतर यात्री यहाँ पर आना जरूर पसंद करते हैं और प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को निहारते हैं। पौराणिक कथाओं में अनुसार श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाने और उनकी अस्थियां बहाने के लिए गंगोत्री ग्लेशियर के अंत में जाकर माँ गंगा की कठोर तपस्या की थी। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा दायिनी ने जीवन की इस धारा को पृथ्वी पर पहली बार स्पर्श किया था और गंगोत्री धाम के स्थान पर भगवान शंकर ने माँ गंगा के इस प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया था, ताकि पृथ्वी पर मनुष्य जीवन जीवित रहे। पौराणिक कथा के आधार पर माँ गंगा को भागीरथी नदी भी कहते हैं। गंगोत्री से गौमुख में सुविधा कम होने की वजह से एक दिन में केवल 150 यात्रियों को ही अनुमति दी जाती है। यात्रियों को गौमुख जाने के लिए गंगोत्री के टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है, जो सुबह के लगभग 5 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलता है। आप चाहे तो चार धाम की यात्रा वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आपको यहाँ आने में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। कनखू से लगभग 3 से 4 घंटे पैदल यात्रा करने के बाद आपको चीड़वासा देखने को मिलेगा, जो कनखू से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस दौरान आपको यहाँ पर काफ़ी सारी प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे चीड़ के पेड़, झरने आदि आदि। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इन्हीं के छाल पे लगभग इसको इस्तेमाल करके इस पे मनुस्क्रिप्ट यानी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था आज से हज़ारों वर्षों पूर्व। ये जो देख रहे हैं अलग अलग पन्नों की तरह ये आपको मिलेंगे, जैसे कि अलग अलग पेजेस हैं। हज़ारों वर्ष पूर्व इसी पे आपकी सारी वेद उपनिषद सब चीज़ें इसी पे लिखा जाता था।
यात्रा। वो जो आप पहाड़ी देख रहे हैं वो हमें इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट से दिख रही थी, ग्लेशियर पीक, एंड वो जो आपको भागीरथी ग्लेशियर दिख रही है वहाँ तक हमें जाना है। अभी हम उन पीछे वाली पहाड़ियों के पास से आ रहे हैं और लगभग अभी हमें वो जो आप अगर ट्रेल देखेंगे पीछे जंगलों के आगे से, चीड़बासा के आगे से ट्रेल जा रही है, वहाँ से हमें जाना है। समय अभी हो रहा है 10:30 और अभी हम चीड़बासा पहुँचने वाले हैं। बहुत ही स्लो चल रहे हैं बातें करते करते और प्रकृति का आनंद लेते हुए। चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाए और पहुँचा जाए अपने डेस्टिनेशन की ओर। और ये हमारे मित्र व्लॉगिंग करना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लगभग ग्लेशियर के पास पहुंचने वाले हैं। जीवन में और यात्रा में एक ठहराव तो ज़रूरी होता है, क्योंकि उस ठहराव से ही आपके होने का एहसास होता है। भला प्रकृति माँ की गोद में आकर क्यों कोई वहाँ से भागना चाहेगा। तो हम भी वहाँ पर सुकून से यात्रा कर रहे थे। और लगभग 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिला वहाँ पर चीड़बासा, जहाँ पर हम दोनों मित्र बैठ गए अपने आप को रिफ्यूल करके वापस यात्रा में कंटिन्यू करने के लिए। तो ये है हमारे चीड़बासा के कैंप्स, जहाँ पे अभी हमारा नाश्ता हुआ है। इसके बाद निकलते हैं उजवासा की तरफ, जो कि है लगभग 4 से 5 किलोमीटर। वैसे तो चलते चलते मुझे अपना बैग तो भारी लग रहा था, लेकिन जब मैंने इनका सुना कि 35 से 40 किलो का बैग उठाकर ये चल रहे हैं, तो मुझे अपना बैग तो हल्का लगने लगा। उत्तराखंड के सबसे पूजनीय स्थानों में से एक गौमुख ग्लेशियर अपने आप में दर्शनीय स्थल है। भागीरथी चोटियों की विशालता तपोवन बेस कैंप में अनुभव की जा सकती है, जो कि गौमुख ग्लेशियर पर उसके पास स्थित है। इसके अलावा ग्लेशियर के अलावा इस पूरे ट्रैक में कोई भी और बड़ा दर्शनीय स्थल नहीं है। हालांकि खूबसूरत गौमुख के ट्रैक के पास अपने ही आकर्षक दृश्य हैं और प्राकृतिक सुंदरता भरी पड़ी है, जो कि आपको ट्रैक के दौरान देखने को मिलेगी और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी। गौमुख की ट्रैकिंग का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि सबके बस की बात नहीं है। इसलिए सलाह दी जाती है कि ट्रैक पर जाने से पहले उसकी तैयारी कर लें, साइकिलिंग, रनिंग और स्विमिंग के जरिए अपना कार्डियोवास्कुलर स्टैमिना बढ़ा लें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने साथ एक अनुभवी ट्रैकिंग गाइड को भी लेके जाएं। ये एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है, क्योंकि एक गाइड को इस ट्रैक के पूरे रास्ते के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होता है और वो आपके लिए मददगार भी साबित होगा। वहीं आपको हम ये भी सलाह देंगे कि गौमुख में ट्रैकिंग करने के लिए मानसून या सावन के वक्त ना जाएं, क्योंकि उस वक्त भारी बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरा हो जाता है, जिस कारण इस इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है। साथ ही सड़कों में पानी भर सकता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप 2 या उससे ज़्यादा लोगों के ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर अकेले जाना एक सही निर्णय नहीं होगा। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैक पर जाने से पहले अपने घर पर या अपने किसी नज़दीकी इंसान को इसके बारे में ज़रूर बताया हो।
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै पीछे ये हमारी भागीरथी ग्लेशियर जो कि अब विजिबल हो गई है जहाँ से गौमुख हमारी गंगा माँ का उद्गम है जो पीछे देख रहे हैं भागीरथी ग्लेशियर जहाँ पे अभी हमें जाना है। चलते हैं फटाफट से भागीरथी ग्लेशियर के पास आइए। चीड़वासा से 3 किलोमीटर आगे आपको एक काफ़ी खतरनाक पहाड़ दिखेगा जिसका नाम है गीला पहाड़। इस पहाड़ के आसपास हमेशा खतरा रहता है क्योंकि यह लैंडस्लाइड एरिया है। कई बार तो मेरे एक स्टेप रखने पर भी वहां से मिट्टी खिसक कर नीचे सीधा गंगा जी में 300 मीटर नीचे जाकर गिर रही थी। मतलब ये कुछ डिफरेंट कलर है, टेक्सचर का अलग है इनका पत्थरों का। और इसी प्रकार हम दोनों दोस्त प्रकृति के बारे में जानकारी लेते हुए और प्रकृति के आनंद में घुलते मिलते चलते जा रहे थे गौमुख की यात्रा पर। वो जो आप देख रहे हैं एक बड़ा सा पत्थर, वहाँ तक हमें जाना है। उसके पीछे है आपके भोजवासा जहाँ से भागीरथी ग्लेशियर जो कि बादलों में ढक चुकी हैं वो हमें विजिबल होंगी। चीड़वासा से जैसे ही आप 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको भोजवासा देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको रात में ठहरने और भोजन के लिए गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस मिल जाएंगे जिसका शुल्क लगभग 500-800 लगभग 1000 तक प्रति व्यक्ति रहता है। कुछ आश्रम भी मिल जाएंगे जैसे राम बाबा आश्रम और लाल बाबा आश्रम जिनका शुल्क लगभग 300-500-600 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। और इस स्थान पर मैं लगभग 3री बार पहुंचा हूं और 3री बार उसी स्थान को बेहद खूबसूरती से देखते हुए मेरा मन केवल ठहर जाता है। तो भी यदि आप वहां देखेंगे तो एक ट्रॉली है जिससे पार करके एक गौमुख का रास्ता उधर से है और एक ऊपर से है जो पुराना रास्ता है, बट हमने डिसाइड किया कि हम ट्रॉली पार करके जाएंगे। हमने ऊपर से तो डिसाइड कर लिया था लेकिन नीचे आके मेरे साथ वही होने वाला था जो पिछले 2 बार होते आया है। ये मेरा थर्ड टाइम है और थर्ड टाइम मैं वापसी जा रहा हूँ। मतलब मैं नीचे से 3 बार परमिट बनवा के आया हूँ और 3ों बार वापसी जा चुका हूँ। यहाँ से दर्शन बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मतलब अगर ऊपर से कह रहे हैं कि आप ऊपर से जाइए, ऊपर से जो रास्ता है वहाँ से दर्शन कुछ भी नहीं होते। गौमुख के जो आपके नीचे से ट्रॉली है वहाँ से आपके दर्शन होते हैं, मेन जो दर्शन होते हैं गौमुख के, लेकिन वहाँ से हमें जाने नहीं दिया जा रहा। बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी मैंने कहा कि आप ट्रॉली का किराया ले लीजिए तो भी नहीं जाने दिया जाता। तो यहाँ पर हमारे साथ वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है कि फॉरेस्ट रेंजर हमें मना कर देते हैं आगे ट्रॉली पार करने के लिए क्योंकि वो कहते हैं कि ट्रॉली वही पार कर सकता है जो कि तपोवन का परमिट लाता है। हम केवल गौमुख का परमिट लेके गए थे जिसकी वजह से हमें ट्रॉली पार करने नहीं दिया जा रहा था। इसके वजह से हमने कहा चलिए अब यहाँ पर स्टे किया जाए। ये है आपका आश्रम। आश्रम में आप 500 रुपये दे के पर डे बेसिस पे रह सकते हैं जिसमें आपको फूड भी मिलेगा साथ में। पीछे आपका GMVN का स्टे जहाँ पे आप 800 से 1000 रुपये दे के पर बेड आप ले सकते हैं, और या फिर अगर आप अपने टेंट साथ में लाते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ भागीरथी ग्लेशियर जहाँ पर मैं आपको 3री बार लेके आ रहा हूँ। ये देख रहे हैं जो वाइट वाइट से स्नो फ्लेक्स आ रही हैं, ये आपके स्नो गिर रही है। तो हम हैं अभी ग्लेशियर के आगे, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो स्नो फ्लेक्स आपको गिरती हुई, ओए आग में चले गया, स्नो फ्लेक्स आपको गिरती हुई दिखाई देंगी। पीछे से आप देख रहे हैं ये स्नो फ्लेक्स हैं जो इधर आ रही हैं। इसी बीच हमने फॉरेस्ट रेंजर से वार्तालाप की और पूछा कि आप क्यों नहीं हमें जाने दे रहे ट्रॉली पार करके। तो उन्होंने कहा
यदि आप ट्रॉली पार करके दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप गाइड के साथ आइएगा, क्योंकि यदि आप गाइड के साथ आते हैं तो ही आप ट्रॉली पार कर पाएंगे, आप खुद से ट्रॉली नहीं पार कर पाएंगे। क्या हुआ? बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं सर? हाँ, बर्फबारी हो रही है लेकिन भारी वाली बर्फबारी नहीं होगी। कैसा लग रहा आपको स्नो देख के? क्या हाल है दोस्तों? हम अभी हैं गौमुख में, गौमुख के कुछ किलोमीटर नज़दीक, और यहाँ जो बर्फ़ गिर रही है, स्नो फ्लेक्स आपको दिख रही होंगी, इतनी तेज़ आ रही है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट स्नो इतनी ज़्यादा है कि अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे जितना भी है ग्लेशियर का ऑलमोस्ट ढक चुका है, क्योंकि पीछे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बट यदि आप इधर से देखेंगे तो यहाँ से अभी स्नो फ्लेक्स आ रही हैं। हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, ये जो आश्रम है जहाँ पे लगभग हमने 500 रुपये दिए हैं खाने और रहने के, इस अमेजिंग व्यू के साथ। बर्फ में गरम गरम चाय लेके आए हैं, आप भी चुस्की लीजिए चाय की, छोटी वाली ग्लास। अरे ये बल्कि लेमन टी लाया हूँ, तो ले देख। ओके चीयर्स। और यहाँ पे हमारे मित्र ठंड से कांपते हुए गेट के अंदर बैठे हैं। कैसा लग रहा है आपको गर्म गर्म चाय इस ठंडी में? बहुत अच्छी लग रही है, यही है वरदान, ये अमृत के समान है इस बर्फ के सामने ये लेमन टी। आनंद आनंद की अनुभूति हो रही है, मज़ा आ रहा है सोने में। शक्ल दिखा ना, शक्ल दिखा, एक मिनट दिखा, ए दिखा इधर, नहीं दिख रही शक्ल, शक्ल दिखा, अरे शक्ल दिखा। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा, मजा आ रहा है, बहुत। सांस नहीं आ रही क्या? सांस, अरे यार खाना खाना खाने से कितनी जल्दी, अभी तक मुंह नहीं खुल रहा था, खाने से इतनी जल्दी नींद खुल गई। खाना आएगा, ताकत आएगी ठंडी से लड़ने की। भंडारे का समय हो गया है, थोड़ी बहुत बर्फ गिर रही है यहाँ पे, अभी भी बर्फबारी कंटिन्यू है, और पीछे के यदि देखेंगे तो ग्लेशियर पूरा ढक चुका है। चलिए, हमारे मित्र यहाँ पे भोजन करने के लिए बैठे हैं काफ़ी लोगों के साथ। कमरे में ठीक थे अपने? भोजन का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया अभी तक। जस्ट वेट फॉर 3, 2, 1। खाना हमारा परोसते रहेंगे, बार बार लेते रहिए, कोई माना नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना लीजिए, लेकिन बर्बाद मत कीजिए, ये आश्रम का खाना है, उसको बर्बाद मत कीजिए। भंडारे का भोजन तो हमेशा से ही स्वादिष्ट होता है, ये तो आपको भी पता है, और आपने भी कभी ना कभी तो जीवन में स्वाद चखा ही होगा। इसके पश्चात ठिठुरती ठंड में हमने नींद तो ले ली, लेकिन अगले दिन जो शुरुआत हुई वो कुछ इस प्रकार थी। और सुबह सुबह मैंने भागीरथी माँ को देखकर पूछा कि यदि आप मुझे दर्शन देना नहीं चाहते तो बुलाते क्यों हैं, तो उन्होंने कुछ मुझे हिंट दिया और मैं देखिए कैसे दर्शन करने उनके धाम पहुंच गया। दा।
और फिर कुछ गाइड्स की मदद से हमने ट्रॉली पार की, जिसके पश्चात हम तपोवन के रूट पर होते हुए जा रहे थे गौमुख दर्शन करने। यहाँ के गाइड और कुछ पुराने लोग यहाँ पर बताते हैं कि जो पीछे भोजवासा दिख रहा है वहाँ तक कभी 10-15 वर्ष पहले ग्लेशियर हुआ करती थी, जो कि आज के समय में बहुत पीछे खिसक चुकी है। तो मैं इससे अनुमान लगा रहा था कि यदि 10-15 वर्ष में इतना हो सकता है तो अगले 5 वर्ष में और कितना होगा। वो जो आप एक लाइन देख रहे हैं वो रूट जा रहा है, जो पुराना रूट है, और हम ये तपोवन वाले रूट से जा रहे हैं। आपने न्यूज़ में केदारनाथ त्रासदी के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी गंगोत्री में ऐसी त्रासदी हुई इसके बारे में सुना? नहीं, ये तो लोगों के लिए महत्व ही नहीं रखती। 26 जुलाई 2013 को उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने के कारण गौमुख में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा बह गया था, जिससे गौमुख का छोर बिल्कुल अलग हो गया था और वह ग्लेशियर पर बहुत बड़ी दरार उभर आई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियरों के पीछे खिसकने के कुछ कारण प्राकृतिक तो कई मानव जनित हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ना भी ग्लेशियरों के लिए तेजी से पिघलने का एक कारण है। मानव जनित कारणों में प्रदूषण, ग्लेशियरों के निकट इंसानी गतिविधियां का बढ़ना है, जिन पर रोकथाम से नुकसान को कम किया जा सकता है। इस ट्रैक के दौरान आपको बहुत सारी हिमालय की पीक्स चोटियां दिखाई देंगी, जैसे कि माउंट शिवलिंग, सुदर्शन पर्वत, मेरू पर्वत, भागीरथी सिस्टर्स, खड़क कुंड और बहुत कुछ है, जो कि आपको न सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा बल्कि दिल में बस जाएगा और आपको कभी नहीं भूलने वाला एहसास देगा। तो यहाँ से हम लेफ्ट हो गए और राइट जा रहे हैं वो तपोवन के लिए, जो आपको दिख रहे हैं कुछ लोग जो वहाँ से होते हुए पीछे उस पहाड़ी के जाएंगे और हमें नीचे जाना गौमुख। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा अपने पानी से 40 करोड़ लोगों को जिंदा रख रही है, क्योंकि इस पवित्र नदी को गंगोत्री ग्लेशियर से पानी मिल रहा है। लेकिन ग्लेशियर ही खतरे में है। 87 सालों में 30 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर में से 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर बह चुका है, दोबारा नहीं बनेगा। इसकी वजह आप जानते हैं। और तभी मुझे गंगा माँ के गौमुख के दर्शन हुए, जिसके पश्चात मैं एकदम ठहर सा गया कि मानो मैंने जैसे स्वर्ग देख लिया हो। मैं मतलब ये मेरा थर्ड विजिट है और पहली बार गंगे माँ ने मुझे अपने द्वार पे बुलाया गौमुख पे। मैं कितना अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ, यही बताऊँ, मेरे शब्द नहीं निकल रहे गौमुख देख के, जिसके लिए मैं 2 बार यहाँ से रिटर्न होके गया। मैंने गौमुख नहीं देखा, पहली बार मैं गौमुख देखने आया हूँ। वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि 1935 से लेकर 2022 तक गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने वाला हिस्सा 1700 मीटर यानी 2.25 किलोमीटर पिघल चुका है। इसकी वजह बढ़ता तापमान, कम बर्फबारी और ज्यादा बारिश है। यह गौमुख ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 4 किलोमीटर की है। इससे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन का है, जो कि पहले स्थान पर आता है। the
जीवन की भागती दौड़ती जिंदगी में से जो भी आता है वो यहाँ पर मानो ठहरापन सा पा जाता है। हर कोई एक अलग आयाम, एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाता है। चलिए अब इस पवित्र नदी में साथ में वर्चुअली डुबकी लगाते हैं, आप और हम साथ में इसमें स्नान करेंगे। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय। गंगा माँ के पास पहुंचकर बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, तो मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, यही कि गंगा माँ के पास मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कुछ क्षण ध्यानमय होने के बाद जब मैं वापसी जा रहा था तो मैंने ऊपर देखा जो तपोवन से वापसी आ रहे थे, जहां पर जाने के लिए आपको बिना गाइड के तो जाने भी नहीं दिया जाता और आप जा भी नहीं पाएंगे। वापसी की ओर जाते हुए मैं बार बार पीछे मुड़कर गंगा माँ के गौमुख को देखते जा रहा था और अपने अंदर समाते जा रहा था कि फिर कब मुझे गंगा माँ का बुलावा आएगा और मैं फिर पता नहीं कब यहाँ पर आ पाऊँगा। ट्रॉली पर पहुंच कर मैं वहां वापसी तो जा रहा था, लेकिन मुझे खींचने में वहां पर लोगों को दिक्कत हो रही थी। इसका आंसर मैं नहीं बताना चाह रहा था। आपको बाकी यात्रा की तरह मेरी ये एक यात्रा लग रही होगी, लेकिन यह मेरी एक पर्सनल मेरी यात्रा थी, मेरी खुद में यात्रा, जो मैं 3 बार यहाँ तक आया, वही मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, माँ गंगा ने बुलाया है। और जिसके बाद मैं भोजवासा क्रॉस करते हुए, चीड़वासा होते हुए जब मैं जा रहा था, तो हमारे ऊपर इतनी तेज़ी से स्नोफ्लेक्स गिरने लगी कि मैंने कहा यदि मैं और तेज़ नहीं गया तो रास्ता बंद हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी स्नो पड़ रही है, हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि स्नो फॉल अगर ज़्यादा तेज़ हो गई तो रास्ता बंद हो जाएगा और हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलते हैं। चलते
चलते चलते गंगोत्री में रात्रि से पहले पहुंचना चाहता था क्योंकि यहाँ पर जंगल का अंधेरा बहुत ही घना होने वाला था। और गंगोत्री पहुंचते ही कुछ वही दृश्य दिखा जो कि एक प्रसाद के रूप में हर भक्त को मिलता है। चलिए आप भी ग्रहण कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप ये यात्रा करना चाहते हैं, कमेंट करिए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सी यात्रा आप अगली चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शंभु, हर हर गंगे। शिवदूती स्वरूपे।